आज मैं आपको मंजरी पुस्तक में अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, पेज नंबर 119। प्रथम पाठ है क्रीड़ा महोत्सव। इसको बच्चों पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, इसके बाद इस पाठ का अर्थ लिखेंगे आद्य से प्रचलित तक, उसके बाद प्रश्नोत्तर। मैं आपको अर्थ बताती हूँ, पहले शब्दार्थ बताती हूँ। अद्य मीन्स आज, परिसरे मीन्स मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र मीन्स खेल का मैदान, हस्त कंदुके मीन्स वॉलीबॉल में, क्रीड़ा अध्यापका मीन्स खेल के अध्यापक, करतल वादने मीन्स ताली बजाने से, कोलाहले मीन्स हल्ला करने से, क्रीडकानाम छात्राणाम खेलने वाले छात्रों के, वितरंत मीन्स बांटते हैं। अब ये पाठ का अर्थ बताती हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। अद्य विद्यालयस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। आज, अद्य मीन्स आज, विद्यालयस्य विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव मीन्स महोत्सव, अस्ति मीन्स है। आज विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव है। विद्यालयस्य परिसरे एवं क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्र विद्यालय परिसर में ही है। अवनीशस अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि बालकाः बालिकाः च हस्तकन्दुके निपुणाः सन्ति। अवनीश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि बालक बालिकाएं वॉलीबॉल में निपुण हैं। इदानी षष्ठ कक्षायाः सप्तम कक्षायाः च छात्राणां परस्परं क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति। इस समय छठी और सातवीं कक्षाओं के क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिता हो रही है। अस्माकं क्रीड़ाध्यापकाः निर्णायकाः भवन्ति। हमारे क्रीड़ाध्यापकाः मीन्स खेल के अध्यापक निर्णायक बने हैं। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। अवनीश के नेतृत्व में छात्रा आते हैं। क्रीड़ा दर्शनाय विद्यालयस्य सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। खेल प्रतियोगिता देखने के लिए विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित हैं। ते मीन्स वे, ते करतलवादनेन कोलाहलेन च क्रीडकानां छात्राणां उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। वे तालियों और शोर से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्रीड़ायाः पश्चात् प्रधानाध्यापकः पुरस्काररूपेण कन्दुकं वितरन्ति। खेल के पश्चात या खेल के समाप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय पुरस्कार स्वरूप गेंद प्रदान करते हैं। अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। अध्यापक छात्रों में मिठाइयाँ बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवन्ति। खेल से स्वास्थ्य लाभ का लाभ होता है। खेल से स्वास्थ्य लाभ होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको अर्थ लिखना है अद्य विद्यालय से
वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव से लेकर छात्राणाम परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति तक, यहाँ तक आपको संस्कृत का अर्थ लिखना है। अब एक पद में उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर दो, विद्यालये अद्य किम अस्ति, विद्यालय में आज क्या है। विद्यालये अद्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति, विद्यालये अद्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। उमेशः कस्मिन् क्रीडायां निपुणः सन्ति, उमेशः हस्तकन्दुके क्रीडायां निपुणः अस्ति, उमेशः हस्तकन्दुके क्रीडायां निपुणः अस्ति। कस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति, यह देखिए, कस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। कस्य हटा के यहाँ अवनीशस्य लिख देंगे, अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। फिर घ, छात्राः किं कुर्वन्ति, छात्राः क्या कर रहे हैं। छात्राः उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। अंग, अध्यापकाः किं कुर्वन्ति, अध्यापकाः मिश कर लीजिएगा। फिर तीसरा है क्वेश्चन, रिक्त स्थान, विद्यालयस्य परिसरे एवं क्रीड़ा क्षेत्र, इसमें अस्ति भरेंगे। अस्माकं क्रीड़ाध्यापकाः निर्णायका भवन्ति। ग, अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। घ, प्रधानाध्यापकः पुरस्काररूपेण कन्दुकं वितरति। अंगा, अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। बच्चों, जो समझ में आया वो कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आया उससे पूछ लीजिएगा दोबारा, ठीक है। धन्यवाद।